चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एल्कलॉइड्स, मींस हम एल्कलॉइड्स की आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और एल्कलॉइड कौन कौन से, एट्रोपिन, क्यूनिन, रेजरपाइन और कैफिन। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं एट्रोपिन, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट एट्रोपा बेलाडोना बिलोंगिंग टू फैमिली सोलेनेसी, मींस जो एट्रोपिन है वो सूखी पत्तियों से लिया जाता है, और वो सूखी पत्तियां होंगी हमारी एट्रोपा बेलाडोना प्लांट की, जिसकी फैमिली है सोलेनेसी। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट सोलेनेसी एल्कलॉइड्स आर हायसायामिन, हायोसिन, एपोएट्रोपिन, बेलाडोनिन, मींस वो कंपोनेंट जो हमारे सोलेनेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं वो है हमारे हायोसायामिन, हायोसिन, एपोएट्रोपिन और बेलाडोनिन। नेक्स्ट पॉइंट, एट्रोपिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव लीवर रोटेटरी आइसोमर ऑफ हायोसायामिन, मींस जो एट्रोपिन है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपोनेंट है, मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जो हमारा लीवर रोटेशन शो करता है। ये हमारा एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, मींस जो एट्रोपिन है ये हमारा वाटर में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, मींस जो एट्रोपिन है उसका कोई कलर नहीं है, मींस वो कलरलेस है और एक क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 189 टू 192 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आइसोलेशन देख लेते हैं। ये है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या करेंगे, हम पाउडर ड्रग लेंगे, मींस जो सूखी पत्तियां हैं एट्रोपा बेलाडोना का वो लेंगे, और उसमें हम सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे, और जो प्रिपरेशन हमारे पास आएगी उसे हम एक्वस सॉल्यूशन में डुबोएंगे, मींस उसे हल्का सा नमी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सट्रैक्टेड विद ईथर और बेंजीन, मींस इस प्रिपरेशन में हम ईथर और बेंजीन को भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिल्टर एंड एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड, मींस जो हमारे पास फॉर्मुलेशन है, जो प्रिपरेशन है हमारी, उसे हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद उसमें हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, जिसके कारण हमारी प्रिपरेशन एसिडिफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिफाइड सॉल्यूशन इज देन शेकन विद सॉल्वेंट ईथर, मींस जो हमारे पास एसिडिफाइड सॉल्यूशन आएगा, जो प्रिपरेशन आएगी एसिडिफाइड, उसको हम ईथर के साथ शेक करेंगे, मींस ईथर उसमें ऐड करेंगे। फिल्टर एंड अगेन ऐड सोडियम कार्बोनेट, फिर हम उस प्रिपरेशन को फिल्टर कर देंगे, और फिल्टर करने के बाद उसमें दोबारा से सोडियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे। प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, सोडियम कार्बोनेट को ऐड करने के बाद हमारे पास प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, उन प्रेसिपिटेट को हम ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद हमारे पास ड्राई मास डिजोल्व इन ईथर, जो हमारे पास ड्राई मास आएगा उसको हम ईथर में डिजोल्व कर देंगे, घोल देंगे, फिर उसको फिर से फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद हमारे पास क्रिस्टल ऑफ हायोसायामिन आ जाएंगे। तो अब है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इसमें हम विटाली मेरिन रिएक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते हैं, ड्रग लेंगे और ड्रग में Na2 ऐड कर देंगे, फिर इवेपोरेट करेंगे और ड्राई एड स्टीम बाथ, और इवेपोरेट करने के बाद जो हमारे पास प्रिपरेशन होगी उसको हम स्टीम बाथ पर ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। सुखाने के बाद पेल येलो कलर प्रोड्यूस, हमारे पास पेल येलो कलर आ जाएगा। इन रेजिड्यू व्हेन ए ड्रॉप ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड इट गिव वॉयलेट कलर, मींस जो हमारे पास रेजिड्यू आएंगे, जो हमारे पास बचा हुआ मटेरियल आएगा, उसके अंदर अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप डाल देते हैं या कुछ ड्रॉप डाल देते हैं तो हमारे पास वॉयलेट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हमारे पास वॉयलेट कलर आ जाता है
इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव टेस्ट होने का मतलब है कि एट्रोपिन उसके अंदर प्रेजेंट है। यह है एनालिसिस। इसकी एनालिसिस करेंगे हम टीएलसी का यूज़ करके। टीएलसी में मोबाइल फेज हम यूज़ करेंगे टू नॉर्मल एसिटिक एसिड और उसके अंदर हम एट्रोपिन को ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और जो हमारे पास ये प्रिपरेशन आएगी उस प्रिपरेशन को हम सिलिका जेल प्लेट पर स्पॉट कर देंगे, लगा देंगे और जो हम इसमें सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ करेंगे वो करेंगे हम मिथेनॉल को और जो इसकी आरएफ वैल्यू है वो है 0.18। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। सेकेंड है हमारा क्यूनिन। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज ऑप्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ स्टेम और रूट ऑफ सिंकोना ऑफिसिनलीज बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ रूबिएसी। मीन्स जो क्यूनिन है ये हमारा लिया जाता है स्टेम और रूट की बार्क से। मीन्स जो हमारा तना होता है और जो जड़ होती है उसकी जो छाल होती है वहाँ से ये लिया जाता है और वो छाल ली जाएगी हमारी सिंकोना ऑफिसिनलीज प्लांट से जिसकी फैमिली है हमारी रूबिएसी। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूनिन इज लिबो रोटेटरी व्हील, क्यूनिडोन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर। मीन्स जो क्यूनिन है वो हमारा लिबो रोटेशन शो करता है जबकि जो क्यूनिडोन है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है। ये स्ट्रक्चर है हमारा क्यूनिन का। इसका आइसोलेशन देखते हैं हम। तो आइसोलेशन में क्या करेंगे हम, तो इसके अंदर हम सिंकोना ऑप्शनलीज प्लांट से पाउडर ड्रग लेंगे और उसके अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और उन्हें ऐड करने के बाद हम उसका एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसको कुछ समय के लिए रख देंगे, मीन्स कुछ घंटों के लिए रख देंगे उसको और कुछ घंटे रखने के बाद हमारे पास मॉइस्ट मास ऑब्टेंड हो जाएगा। मीन्स जो प्रिपरेशन है उसके अंदर नमी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र इट इनटू सोक्सलेट एंड एक्सट्रैक्ट विद बेंजीन। मीन्स जो हमारे पास मॉइस्ट मास आया है उसको हम सोक्सलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मीन्स सोक्सलेट एपरेटस में डाल देंगे उसको और जो प्रिपरेशन है हमारी उसमें हम बेंजीन को भी ऐड करेंगे। बेंजीन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड एड H2SO4। मीन्स हमारे पास बेंजीन एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। बेंजीन एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि जो हमने ड्रग ले रखी है उसके अंदर हमने बेंजीन को ऐड कर दिया है और बेंजीन एक्सट्रैक्ट में हम सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड कर देंगे और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास दो लेयर तैयार हो जाएंगी। वो दो लेयर होंगी हमारी, पहली होगी बेंजीन लेयर और दूसरी होगी हमारी एक्वस लेयर। फिर दो लेयर फॉर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों लेयर को अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और इन एक्वस लेयर एडिड NaOH एंड एडजस्ट pH 6.5। मीन्स हम बेंजीन लेयर को छोड़ देंगे और एक्वस लेयर को लेंगे और एक्वस लेयर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे और उस प्रिपरेशन की pH को हम मेंटेन करेंगे, वो होगी हमारी 6.5। फिर प्रिपरेशन को हम कूल कर देंगे, मीन्स ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद क्यूनिन सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड देन फिल्टर। ठंडा करने के बाद हमारे पास क्यूनिन सल्फेट के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे और फिर हम उन प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर देंगे। आगे देखते हैं। तो प्रेसिपिटेट को फिल्टर करने के बाद सेपरेट प्रेसिपिटेट रिक्रिस्टलाइज्ड विद हॉट वाटर फ्री साल्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिल्टर करने के बाद हम प्रेसिपिटेट को अलग कर लेंगे और उनको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। रिक्रिस्टलाइज का मतलब है उनको दोबारा से हम क्रिस्टल बनाएंगे और वे क्रिस्टल बनेंगे हमारे हॉट वाटर का यूज़ करके और क्लोरोफॉर्म का फ्री साल्ट यूज़ करके। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूनिन सल्फेट डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स जो क्यूनिन सल्फेट आया है हमारे पास उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर देंगे, मेक एल्कली। मीन्स उस प्रिपरेशन को हम एल्कली बनाएंगे, क्षारीय बनाएंगे। क्यूनिन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, जब हम उसे एल्कली बना देंगे तो हमारे पास क्यूनिन प्रेसिपिटेट आ जाएंगे वॉश्ड एंड ड्राइड। और जब हमारे पास क्यूनिन प्रेसिपिटेट आ जाएंगे उसको हम वॉश कर देंगे, धो देंगे और फिर ड्राई कर देंगे, मीन्स सुखा देंगे और ड्राई हमें 45 से 55 डिग्री सेल्सियस पर ही करना है।
तो ऐसे हमारा क्यूनिन प्राप्त हो जाता है। अब हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेते हैं क्यूनिन के लिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम सैंपल लेंगे और उस सैंपल में हम सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप डालेंगे और उसमें वाटर भी ऐड करेंगे। जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने के बाद हमें इसमें ब्रोमीन वाटर की ड्रॉप को ऐड करना है, मींस ब्रोमीन वाटर की कुछ ड्रॉप को डालना है। तो ब्रोमीन वाटर की ड्रॉप डालने के बाद हमारे पास येलो कलर फॉर्म हो जाएगा, मींस हमारे पास येलो कलर आएगा, पीला कलर आ जाएगा प्रिपरेशन का। और उसके अंदर हम ऐड 1 ml डाइल्यूट NH3 सॉल्यूशन, फिर हम उसमें 1 ml डाइल्यूट अमोनिया डाल देंगे। और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालने के बाद हमारे पास ग्रीन कलर ऑब्टेंड हो जाएगा। और अगर हमारे पास ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो जाता है, मींस हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, मींस प्रिपरेशन के अंदर क्यूनिन प्रेजेंट है। एनालिसिस देख लेते हैं हम। तो एनालिसिस होगी हमारी TLC का यूज़ करके, मोबाइल फेज होगी, उसमें क्यूनिन इज डिसॉल्व इन मिथेनॉल स्पॉटेड ऑन सिलिका जेल प्लेट, मींस क्यूनिन को हम मिथेनॉल में डिसॉल्व कर देंगे। और मिथेनॉल में डिसॉल्व करने के बाद उस सैंपल को हम सिलिका जेल पर स्पॉट कर देंगे। सॉल्वेंट सिस्टम होगा इसमें क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल अमाइल का मिक्सचर यूज करेंगे। इन दोनों का रेशो होगा हमारा 9:1। जो RF वैल्यू है इसके लिए वो है 0.17। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है रिजरपाइन। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ एन इंडोल एल्कलॉइड ऑब्टेंड फ्रॉम द रूट ऑफ रोबुल्फिया सर्पेंटिना फैमिली एपोसाइनेसी, मीन्स जो रिजरपाइन है वो इंडोल एल्कलॉइड है जो कि हमारा जड़ से लिया जाता है, और वो जड़ होती है हमारी रोबुल्फिया सर्पेंटिना की। और रोबुल्फिया सर्पेंटिना की जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी। इट इज़ सोल्यूबल इन एल्कोहल एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, मीन्स जो रिजरपाइन है वो सोल्यूबल होता है हमारा एल्कोहल में, एसीटोन में और क्लोरोफॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी साइकोटिक एजेंट, मीन्स जो रिजरपाइन है वो हाइपरटेंशन में और साइकोटिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ये स्ट्रक्चर है हमारा रिजरपाइन का। अब हम इसका आइसोलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रोबुल्फिया रूट पाउडर इज एग्जॉस्टिवली एक्सट्रैक्टेड विद 90% एल्कोहल बाय परकोलेशन, मीन्स हमें रोबुल्फिया रूट पाउडर लेना है और वो लेना है हमें कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली लेने के बाद उसमें हम 90% एल्कोहल ऐड करेंगे, और एल्कोहल ऐड करेंगे हम परकोलेशन मेथड के द्वारा। परकोलेशन मेथड में क्या होता है, जो लिक्विड है वो फिल्टर के द्वारा धीरे धीरे प्रिपरेशन में ऐड होता है, जैसे हमारी कॉफ़ी प्रिपेयर होती है उसी तरह ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट इज कंसनट्रेटेड, मीन्स जो हमारे पास एल्कोहलिक प्रिपरेशन आई है उसको कंसनट्रेट करेंगे, मीन्स उसको प्योर बनाएंगे, एंड ड्राइड अंडर रिड्यूस प्रेशर बिलो 60°C टू यील्ड रोबुल्फिया ड्राई एक्सट्रैक्ट, मीन्स अब हम उस प्रिपरेशन को ड्राई करेंगे, और ड्राई करना है हमें कम प्रेशर में, वो कम प्रेशर है हमारा 60°C का। तो अगर हम उसे कम प्रेशर पर ड्राई करते हैं तो हमारे पास ड्राई रोबुल्फिया आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन रोबुल्फिया ड्राई एक्सट्रैक्ट एड ईथर क्लोरोफॉर्म 90% एल्कोहल, मीन्स जो हमारे पास ड्राई रोबुल्फिया एक्सट्रैक्ट आया है उसके अंदर हम ईथर क्लोरोफॉर्म और 90% एल्कोहल का मिक्सचर डालेंगे, जिनका रेशो है 20:8:2.5। तो उस रेशो में हमें ये ऐड करना है। ऐड करने के बाद कलेक्ट द एक्सट्रैक्ट एंड ऐड लिटल डाइल्यूट अमोनिया विद इंटरमिटेंट शेकिंग, मीन्स जब हमारे पास ये प्रिपरेशन तैयार हो जाएगी तो इस प्रिपरेशन में हमें थोड़ा सा डाइल्यूट अमोनिया ऐड करना है, और डाइल्यूट अमोनिया ऐड करने के बाद हम उस प्रिपरेशन को धीरे धीरे शेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऐड वाटर एंड अलो द ड्रग टू सेटल आफ्टर विग्रस शेकिंग, मीन्स उस प्रिपरेशन को शेक करने के बाद उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के बाद जो ड्रग होगी
उसको एक झटके के साथ शेक करने के बाद रख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिल्टर ऑफ द सॉल्यूशन एंड एक्सट्रैक्ट द रेजिड्यू विद 4 वॉल्यूम्स ऑफ 0.5 नॉर्मल अमोनियम सल्फेट इन सेपरेटिंग फनल। मीन्स जो प्रिपरेशन हमारे पास आई है उस प्रिपरेशन को हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास रेजिड्यू आएंगे, मीन्स जो हमारे पास बचा हुआ मटेरियल आएगा, उस मटेरियल की हम 4 वॉल्यूम बनाएंगे, और वो 4 वॉल्यूम होगी हमारी 0.5 नॉर्मल अमोनियम सल्फेट की, और वो बनाएंगे हम सेपरेटिंग फनल में एंड कंबाइन ऑल दी एक्सट्रैक्ट। और प्रिपरेशन बनाने के बाद हम सबको कंबाइन कर देंगे। आगे देखते हैं, तो कंबाइन करने के बाद द एक्सट्रैक्ट इज मेड एल्कली विद डाइल्यूट अमोनिया टू लिबरेट एल्कलॉइड। मीन्स जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे पास प्रिपरेशन है, उसको एल्कली बनाएंगे हम, क्षारीय बनाएंगे, और वो क्षारीय बनेगी हमारी डाइल्यूट अमोनिया को ऐड करने के बाद। और जब हम डाइल्यूट अमोनिया प्रिपरेशन में ऐड कर देंगे तो उसके कारण उसमें से एल्कलॉइड लिबरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फाइनली इट इज़ एक्सट्रैक्टेड विद क्लोरोफॉर्म, और जो हमारे पास प्रिपरेशन आएगी उसमें हम क्लोरोफॉर्म ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्ट द क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट। मीन्स हमें एक्सट्रैक्ट में क्लोरोफॉर्म ऐड कर देना है और उसे कलेक्ट करना है। कंसनट्रेट एंड इवेपोरेट ऑन वाटर बाथ टू यील्ड टोटल रोबुल्फिया एल्कलॉइड। मीन्स जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट आया है उसको हम कंसनट्रेट बनाएंगे, प्योर बनाएंगे, और इवेपोरेट करेंगे हम वाटर बाथ पर, जिसके कारण हमारे पास रोबुल्फिया एल्कलॉइड आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिड्यू इज सब्जेक्टेड टू कोलम क्रोमेटोग्राफिक फ्रैक्शन फॉर द सेपरेशन ऑफ रिजरपाइन। मीन्स जो हमारे पास रेजिड्यू आएंगे, मीन्स जो हमारे पास बचा हुआ मटेरियल आएगा, उसे हम कोलम क्रोमेटोग्राफी में डाल देंगे। मीन्स उसमें हम कोलम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसके कारण हम उस रेजिड्यू में से रिजरपाइन को सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और हमारे पास रिजरपाइन ऑब्टेंड हो जाएगा। तो आ गया इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम टेक सैंपल एंड एड इथेनॉल एंड वेनिलिन इन एस्टिक एसिड। मीन्स हमें सैंपल लेना है, सैंपल कौन सा है, रिजरपाइन, और उसमें हम इथेनॉल और वेनिलिन ऐड करेंगे, और इन दोनों को ऐड करने के बाद उसके अंदर एक एसिड डालेंगे जो है एसिटिक एसिड। तो इन सबको मिक्स करने के बाद जो प्रिपरेशन है हमें वॉयलेट रेड कलर शो करेगी। वॉयलेट रेड कलर अगर आ जाएगा, इसका मतलब है उस प्रिपरेशन में रिजरपाइन प्रेजेंट है। एनालिसिस है इसमें, एनालिसिस करेंगे हम TLC का यूज़ करके, और उसमें स्टेशनरी फेज होगी हमारी सिलिका जेल, मोबाइल फेज होगा हमारा क्लोरोफॉर्म एस्टोन और डाइथाइलामाइन का मिक्सचर, जिनका रेशो होगा 50:40:10। जो RF वैल्यू है इसकी वो है 0.72। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा कैफीन। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। इट इज़ अ प्यूरिन एल्कलॉइड ऑब्टेंड फ्रॉम टी लीव्स, कॉफी सीड्स, कोका एंड अदर स्पीसीज। मींस जो कैफीन है वो एक प्यूरिन एल्कलॉइड है, जिसको प्राप्त किया जाता है टी लीव से, मींस चाय की पत्ती से, कॉफ़ी के बीज से, कोका से, और जो ऐसी ही दूसरी स्पीसीज होती हैं उनसे कैफीन को प्राप्त करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट नोन एज थीसाइनेंसिस बिलोंगिंग टू फैमिली थीसिस। मींस जो कैफीन है उसके अंदर ड्राइड लीफ होती हैं, मीन्स सूखी पत्तियां होती हैं, और वो सूखी पत्तियां होंगी हमारी थीसाइनेंसिस की, और इसकी फैमिली का नाम है थीएसी। ये हमारा कैफीन का स्ट्रक्चर है। इसका आइसोलेशन देख लेते हैं अब हम। तो आइसोलेशन में फर्स्ट पॉइंट है, पाउडर टी लीव्स एक्सट्रैक्टेड विद बॉइलिंग वाटर। मीन्स हमें टी लीव्स का पाउडर लेना है, और वो लेना है हमें बॉइलिंग वाटर के साथ, फिल्टर व्हील हॉट, और उस प्रिपरेशन को हमें फिल्टर करना है जब वो गर्म हो। द वार्म एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विद लेड एसीटेट टू प्रेसिपिटेट टैनिंस। मीन्स जो गर्म एक्सट्रैक्ट हमारे पास आया है
उसे हमें ट्रीट करना है लेड एसीटेट के साथ, जिसके कारण हम प्रेसिपिटेट टैनिंस के प्राप्त कर पाएंगे। फिर उस प्रिपरेशन को हम फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद द फिल्ट्रेट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रेसिपिटेट लेड इन द फॉर्म ऑफ लेड सल्फेट। मीन्स जो फिल्ट्रेट हमारे पास आएगा फिल्टर करने के बाद, उसे हम ट्रीट कराएंगे, मीन्स उसकी रिएक्शन कराएंगे हम एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके कारण हमारे पास लेड प्राप्त हो जाएगा और लेड प्राप्त होगा हमारा लेड सल्फेट के रूप में। फिर उस प्रिपरेशन को हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद द फिल्ट्रेट बॉइल्ड विद एक्टिवेट चारकोल टू रिमूव कलरिंग मैटर इफ एनी। मीन्स फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा उसे हम बॉइल कर देंगे एक्टिवेट चारकोल के साथ। मीन्स एक्टिवेट चारकोल के साथ उसे उबालेंगे। फिर जो एक्टिवेट चारकोल है वो हमारा कलर मैटर को रिमूव कर देगा, मीन्स जो भी कलर उसमें प्रेजेंट होगा उसे रिमूव कर देगा, अगर कोई कलर उसमें प्रेजेंट हो तब। एंड फिल्टर टू रिमूव चारकोल। फिर उस प्रिपरेशन को हम फिल्टर कर देंगे, जिसके कारण उसमें से हम चारकोल को अलग कर देंगे, निकाल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द फिल्टर्ड डीकलराइज्ड सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड विद क्लोरोफॉर्म। मीन्स जो हमारे पास फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट आएगा, मीन्स जो कलरलेस हमारे पास प्रिपरेशन आएगी, उस प्रिपरेशन में हम क्लोरोफॉर्म को ऐड कर देंगे। इवेपोरेट क्लोरोफॉर्म ऑन वाटर बाथ। फिर क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद उसमें से क्लोरोफॉर्म को रिमूव किया जाएगा, इवेपोरेट किया जाएगा, और वो होगा हमारा वाटर बाथ का यूज़ करके वाइट पाउडर ऑब्टेंड। फिर क्लोरोफॉर्म को इवेपोरेट करने के बाद हमारे पास सफ़ेद पाउडर आ जाएगा, और वो सफ़ेद पाउडर होगा हमारा कैफीन। आगे देखते हैं हम, आगे है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इसमें हम यूज़ करेंगे मुरेक्साइड टेस्ट। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम कैफीन को लेंगे और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, फिर इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पोटाशियम क्लोरेट डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, और इन तीनों को मिक्स करने के बाद हीटेड टू ड्राइनेस, फिर उसे हीट करेंगे। और हीट क्यों करेंगे, ताकि वो प्रिपरेशन सूख जाए। अ पर्पल कलर इज ऑब्टेंड बाय एक्सपोजिंग द रेजिड्यू टू वेपर ऑफ डाइल्यूट अमोनिया। मीन्स हमारे पास पर्पल कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो प्रोड्यूस होगा हमारा तब जब हम रेजिड्यू में डाइल्यूट अमोनिया के वेपर को ऐड करेंगे। अब हम इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस होगी हमारी TLC का यूज़ करके। इसमें जो मोबाइल फेज यूज़ होगी वो है इथाइल एसीटेट, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड का मिक्सचर यूज़ करेंगे। इनका रेशो होगा 80:10:10। स्टेशनरी फेज सिलिका जेल जी होगी, और जो इसकी RF वैल्यू है वो है 0.41। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये था आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एनालिसिस ऑफ एल्कलॉइड्स। और एल्कलॉइड्स हमारे एट्रोपिन, क्यूनिन, रेजरपाइन और कैफिन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।